तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू प्रमोट स्टूडेंट्स इन कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी इंस्टीट्यूट और कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में स्टूडेंट्स को प्रमोट कैसे करते हैं, यानी कि जब स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट सेशन में जाता है पास और फेल होकर के, तो वो हम कैसे प्रमोट करेंगे, इसका ऑप्शन हमें सॉफ्टवेयर में कहाँ मिलने वाला है, तो इसके बारे में मैं आपको काफ़ी डिटेल में बताऊंगा। सब कुछ हम प्रैक्टिकली देखेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हाँ दोस्तों, देखिए हमारे सामने ये एडमिन पैनल ओपन होकर के आ गया। यहाँ पर आप कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का एडमिन पैनल देख सकते हैं। जस्ट यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपको साइन इन पे क्लिक करना है। अब क्या है ना दोस्तों कि हमारे सामने इस कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का कंप्लीट डैशबोर्ड ओपन होकर के आ गया है। और यहाँ तो आपको पता ही दोस्तों कि आप फ्रंट ऑफिस, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, फीस कलेक्शन, इनकम, एक्सपेंसेस, अटेंडेंस, एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, लेसन प्लान, एकेडमिक्स, ह्यूमन रिसोर्स, कम्युनिकेशन, डाउनलोड सेंटर, होमवर्क और ऐसे जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं कॉलेज से रिलेटेड, जैसे कि लाइब्रेरी, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल फैसिलिटी, सर्टिफिकेट, फ्रंट CMS, एलुमनाई और रिपोर्ट्स, सब कुछ बहुत ही प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज और मैनेज कर सकते हैं। तो ये कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है जहां पर आप सारी चीज़ों को प्रॉपर वे में ट्रैक कर सकते हैं, स्टूडेंट्स का डेटा भी आप प्रॉपर वे में मेंटेन करके रख सकते हैं। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम देखने वाले कि हम स्टूडेंट्स को प्रमोट कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको जाना होगा एकेडमिक्स वाले मॉड्यूल पे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको एकेडमिक्स का मॉड्यूल शो हो जाएगा, जस्ट हम इन्हें इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। और हमने ऑलमोस्ट इस एकेडमिक्स मॉड्यूल में जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं उसके बारे में बहुत ही डिटेल्ड में आपको बताया, तो उन सारे वीडियोस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स को प्रमोट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको प्रमोट स्टूडेंट्स का भी एक ऑप्शन मिल जाएगा जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं, जस्ट आपने इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले तो दोस्तों क्या है कि आप प्रमोट स्टूडेंट्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स में जो भी बच्चे होंगे उनके लिस्ट आ जाएगी। तो वो लिस्ट कैसे आएगी, जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने ऑप्शन आता है क्लास का और उसके जस्ट बगल में आता है सेक्शन का। तो आपको क्लास और सेक्शन सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना। तो चलिए हम फटाफट से सेलेक्ट करते हैं MBA फर्स्ट ईयर। देखिए यहाँ पर जितने भी क्लासेस होंगे वो क्लासेस आपको यहाँ पर शो होगा, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इसी तरीके से बहुत सारे कोर्सेस है, BSc IT इंजीनियरिंग, MBA फर्स्ट ईयर, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, BSc IT फर्स्ट ईयर, तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ऐसे जितने भी कोर्सेज, जितने भी क्लासेस आपके कॉलेज में, इंस्टीट्यूट्स में होते हैं उनके लिस्ट आपको क्रिएट कर लेनी होती है। तो एनीवे हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिस्ट क्रिएट किया हुआ है। तो जो लिस्ट आप अपने, ये एकदम बेसिकली आपके कॉलेज के रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। तो अगर आपके कॉलेज में चार कोर्सेज है तो वो चार कोर्सेज की मास्टर सेटिंग करेंगे, वही लिस्ट हमें यहाँ पर शो होता है। तो एनीवे फिलहाल यहाँ से हम MBA फर्स्ट ईयर सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से आप चाहें तो सेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, मैंने एक सेक्शन सेलेक्ट कर लिया। सेक्शन के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बहुत ही क्लियर वे में पहले के वीडियोस में बताया हुआ है कि अगर आपके कॉलेज में कोई सेक्शन नहीं होता, यानी MBA फर्स्ट ईयर का कोई ABC सेक्शन नहीं है, तो वहाँ पर आप मेंटेन करेंगे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। यानी कि यहाँ पर जो सेक्शन में हमारे पास ABC करके आ रहा है, यहाँ पर फर्स्ट ईयर आएगा। कैसे, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट किया है, तो अब यहाँ पर सेक्शन हमारा क्या आएगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। तो कहने का मतलब क्या है कि ये कस्टमाइज ऑप्शन होता है। अगर आपके पास ABC सेक्शन में फर्स्ट ईयर के ही बच्चे हैं तो आपको ABC मेंटेन करना पड़ेगा, और अगर आपके यहाँ पे ABC का कंसेप्ट ही नहीं है तो आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर मेंटेन कर सकते हैं। तो एनीवे चलिए हम फिलहाल फटाफट से MBA फर्स्ट ईयर ही सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से सेक्शन सेलेक्ट करेंगे ए, और उसके बाद आपको जस्ट यहाँ से प्रमोट स्टूडेंट्स इन नेक्स्ट सेशन का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपको डालना होगा प्रमोट इन सेशन, क्लास और सेक्शन। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको किस सेशन में इन्हें प्रमोट करना है वो लिस्ट्स आ जाएंगे, और ये सेशंस दोस्तों बहुत ही प्रॉपर वे में काम करता है। जैसे कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं डैशबोर्ड में आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, करेंट सेशन 2022 to 2023। अब क्या होता है ना कि आपका कॉलेज तो बहुत पहले से चल रहा है और आपने कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अभी लिया है, तो जो करेंट डेट में जो आपके पास करेंट सेशन में जो बच्चे होते हैं उनकी पहले एनरोलमेंट होती है, उनकी एडमिशन लिस्ट, सारी चीज़ें डिफाइन होंगी। और उसके बाद क्या होगा कि आप अब जब आपका बच्चा 23 to 24 में जाएगा तो आपको यहाँ प्रमोट स्टूडेंट्स पे आना है, और ये एक सिंगल क्लिक पे सब ऑटोमेशन होता है, सब ऑटोमेटिक हो जाता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगा। तो आपको जस्ट नेक्स्ट सेशन का सेलेक्ट कर लेना, तो जैसे 22 to 23 है तो हम 23 to 24 कर लेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस वाले पूछते हैं कि लाइक क्या होता है ना कि आपने कॉलेज तो बहुत पहले से चल रहा है,
आपने सॉफ्टवेयर अभी इम्प्लीमेंट किया तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो भी करंट सेशन चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज के स्टूडेंट्स को डिफाइन करना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं 19-20 का भी डेटा रखूँ, 20-21 का भी रखूँ, 21-22 का भी रखूँ, 22-23 का भी रखूँ, ये 19-20-21 कहने का मतलब क्या है, 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक, फिर 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक। तो अगर इस तरीके से आप डेटा रखना चाहते हो तो आपको करंट सेशन 19-20 का बनाना पड़ेगा, वहाँ पर सारी चीज़ें रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, उसके बाद वहाँ से हम प्रमोट करते हुए चले आएंगे। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं अगर आप ऐसा चाहते हैं। लेकिन बेसिकली ज़्यादातर क्या होता है, 90% कॉलेजेस में क्या होता है कि आपने सॉफ्टवेयर जिस दिन इंप्लीमेंट किया अपने कॉलेज और इंस्टीट्यूट में, वही आपका करंट सेशन बन जाता है और उसी सेशन के अकॉर्डिंग हमें आगे फॉरवर्ड होना होता है। तो देखिए जैसे यहाँ पर अभी हमारा करंट सेशन 22-23 है, तो अब जाहिर सी बात है कि अगर हमारा बच्चा प्रमोट होगा तो वो होगा 23-24। तो यहाँ पर देखिए 23-24 का ऑप्शन मिल जाएगा, जस्ट आपको वो सेशन सेलेक्ट कर लेना। तो मैंने यहाँ पर 23-24 सेलेक्ट कर लिया। अब क्लास कौन सा है, ये MBA फर्स्ट ईयर का बच्चा है तो ये MBA फर्स्ट ईयर यहाँ पर हमने इसे सेलेक्ट कर लेना। अब सेक्शन कौन सा होगा, तो मैंने A सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको जस्ट सर्च बटन पे क्लिक कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर ना सारे बच्चों के लिस्ट आ जाएंगे, यानी कि MITM कौन कौन से बच्चे, ये तो अभी जो हमने ऐड किए हैं वही लिस्ट हमें यहाँ सॉफ्टवेयर में शो हो रहा है, लेकिन हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स होंगे जो MBA फर्स्ट ईयर से बिलोंग करते हैं उनकी सारी लिस्ट आ जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं स्टूडेंट नेम, एडमिशन नंबर, सब कुछ आ रहा है प्रॉपर वे में, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, करेंट रिजल्ट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जैसे शो करेंगे तो यहाँ पर आपको रिजल्ट भी पता होगा कि अगर बच्चा पास है तभी वो नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू कर सकता है, और अगर बच्चा फेल है तो वो कंटिन्यू नहीं कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ना आप पास और फेल भी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका आता है नेक्स्ट सेशन स्टेटस, यानी कि बच्चा नेक्स्ट सेशन में कब जा रहा है, कंटिन्यू वो कर रहा है या फिर वो वहाँ से लीव कर रहा है, तो हम जस्ट लीव पे सेलेक्ट करेंगे। देखिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, जैसे यहाँ पर अंकित अग्रवाल है, अगर ये फेल हो चुका है तो हमने यहाँ पे फेल पे ऐसे टिक मार्क लगा लेना है। आप देख सकते हैं अगर यही बच्चा हमारा कंटिन्यू नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लीव बटन पे ऐसे क्लिक करेंगे, और ये देखिए बहुत ही प्रॉपर वे में ये काम करता है। और उसके बाद जस्ट आपको प्रमोट पे क्लिक करना होता है, उसके बाद सारे के सारे स्टूडेंट्स अपने इसी एकेडमिक सेशन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट सेशन में प्रमोट हो जाएंगे। तो दोस्तों बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स को आपको प्रमोट करना है, जो भी स्टूडेंट्स को आपको नेक्स्ट सेशन में लेकर के जाना है, वो आप बहुत ही आसानी से लेकर के जा सकते हैं, और सब ऑटोमेटेड है। तो जो भी लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऐड होते हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर प्रॉपर वे में शो होती है, और बच्चा जब पास और फेल होता है तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं, और अगर वो कंटिन्यू कर रहा है तो कंटिन्यू पे जाएंगे, अगर वो लीव पे है तो लीव पे जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि अगर आप किसी भी कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में आप जब स्टूडेंट्स को प्रमोट करते हैं तो सबसे पहले आपको प्रमोट इन सेशन ही सेलेक्ट करना होता है, यानी कि किस प्रमोशन में आप उनको प्रमोट कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों जब हम प्रमोट करते हैं तो वो फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर में जाता है या फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाता है, तो हमने वो क्लास यहाँ पर सेलेक्ट करनी होती है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें सेक्शन सेलेक्ट करना होता है, और उसके बाद जो एडमिशन के लिस्ट आते हैं हमारे पास उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रमोट करना है। और यहाँ पर बहुत सारे कंसेप्ट हैं, मैं इसका एक मैकेनिज्म आपको समझाता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। देखिए सबसे पहले तो हमने ये होता है कि जो भी हमारे पास लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो हमने पहले ये डिसाइड करना होता है कि हमारा स्टूडेंट्स पास है और फेल, क्योंकि ज़्यादातर मैक्सिमम बच्चे पास होते हैं इसलिए आपको बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर में ऐसे पास का ऑप्शन दिखेगा, लेकिन जो बच्चे फेल हैं उसके अकॉर्डिंग आपको फेल सेट करना होगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो नेक्स्ट सेशन स्टेटस, यानी कि वो बच्चा कंटिन्यू कर रहा है या लीव पे है, वो आपको यहाँ पर डिसाइड करना होगा। तो ज़्यादातर बच्चे कंटिन्यू पे होते हैं इसलिए बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर आपको कंटिन्यू सेलेक्ट करके देगा, लेकिन जो बच्चा लीव कर रहे हैं, जो छोड़ रहे हैं, उनको हमने लीव पे क्लिक करना है। तो यहाँ से ये बात समझ में आ गई कि किसी भी कॉलेज और इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में जब बच्चा प्रमोट होता है नेक्स्ट सेशन में तो वहाँ पर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनका करंट रिजल्ट क्या है, यानी कि पास है या फेल, और दूसरा वो नेक्स्ट सेशन कंटिन्यू कर रहा है या नहीं। यहाँ पर बहुत सारे सिचुएशन हो सकते हैं कि बच्चा पास है लेकिन वो नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू नहीं करना चाहता है तो वहाँ पर हमें लीव करना होगा, और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि बच्चा फेल है तो वो तो नेक्स्ट सेशन में जा ही नहीं सकता है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। तो सबसे पहले हमने करंट रिजल्ट उनका देखना होता है कि वो पास है और फेल, और उसी के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना होता है कि बच्चा नेक्स्ट सेशन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। मे बी पास होकर के वो नेक्स्ट सेशन में नहीं जा रहा या चाह रहा या नहीं जा रहा, तो वहाँ पर हम लीव करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर स्टूडेंट पास है और वो नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू कर रहा है तो वो स्टूडेंट्स प्रमोट हो जाएगा नेक्स्ट सेशन में।
और दूसरा सिचुएशन क्या है दोस्तों कि अगर स्टूडेंट फेल है और वो कॉलेज में कंटिन्यू करना चाहता है, तो जब हम उसे नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा कि उनका जो क्लास था, जो सेमेस्टर था, वो उसी क्लास में रह जाएंगे, यानी कि उनका प्रमोशन होगा लेकिन वो उसी क्लास में हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है कि जिस कोर्स में बच्चा फेल हो गया मेन एग्जामिनेशन में, और यहाँ पर स्टेटस हमने उनका करेंट रिजल्ट फेल लगाया और नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू पे लगाएंगे, तो हम सॉफ्टवेयर में ये ऑटोमेटिक AI फीचर है कि आप जैसे ही प्रमोट करेंगे तो जो बच्चे फेल होंगे वो ऑलरेडी उसी क्लास और सेक्शन में उसी कोर्स में रह जाएंगे, और जो बच्चे पास होते हैं वो आसानी से नेक्स्ट सेशन में चले जाते हैं। और एक सिचुएशन तो दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया था कि अगर स्टूडेंट पास है लेकिन वो नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू नहीं कर रहे, लीव है, तो वो नेक्स्ट सेशन में प्रमोट होगा ही नहीं। तो बेसिकली दिस इज द कंप्लीट होल मैकेनिज्म ऑफ दिस कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। और किसी भी इंस्टीट्यूट और कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में जो प्रमोशन का काम होता है, जब स्टूडेंट्स को प्रमोट करते हैं, तो वो एग्जैक्टली इसी मैकेनिज्म पे काम करता है। तो दोस्तों कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में स्टूडेंट्स को कैसे प्रमोट करते हैं, इसका मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है, आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ गई हो। तो अगर आपका वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप कैसा भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी रन कर रहे हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आपके लिए प्रो लेवल का कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जहाँ पर आप एडमिशन, फीस मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्टल फैसिलिटी, एकेडमिक सब कुछ प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज और मैनेज कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपका इंस्टीट्यूट और कॉलेज कोई स्मॉल लेवल का है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम आपको ऑफलाइन कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी देते हैं, वहां से भी ये सारी चीजें आप प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं। छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके कंप्यूटर और लैपटॉप में इंस्टॉल्ड हो जाता है, और वहां से आप सारी चीजों को ट्रैक कर सकते हैं। और आपके कॉलेज के लिए, आपके इंस्टीट्यूट के लिए हम एक प्रो लेवल की वेबसाइट डेवलप करके देते हैं, सो दैट कि आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके, और जिस भी एरिया और लोकेशन में आपका कॉलेज होता है, इंस्टीट्यूट होता है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच सके। तो ये सारी सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए आप हमें कॉन्टैक्ट जरूर करें। हमारा सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके मन में कैसा भी सवाल है, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, और हाँ आप चाहें तो नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ, प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।